जो चीज रोज हो रही है हम उसे नजरअंदाज करना लग जाते हैं। हम लोग सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। हम लोग सेलिब्रेट करने से पहले सोचते हैं कि क्यों सेलिब्रेट करें, क्या हो गया मेरी जिंदगी में जो सेलिब्रेट करें, और सेलिब्रेट करें तो किसके साथ करें। रोज रोज लोग कहेंगे पागल हो गया, रोज इसको तो सेलिब्रेशन का लगता है। बट सेलिब्रेशन इज नॉट अबाउट दोस्तों कि बस जाके कहीं कुछ पार्टी ही करनी है। सेलिब्रेशन इज नॉट अबाउट दारू ही पीनी है। सेलिब्रेशन इज नॉट अबाउट पनीर टिक्का खाना है, या सेलिब्रेशन इज नॉट अबाउट कि घर में पकवान ही बनने चाहिए। सेलिब्रेशन इज नॉट अबाउट कि आपको मूवीज ही देखनी है, या सेलिब्रेशन इज नॉट अबाउट कि आपको डीजे डांस म्यूजिक लगा के डांस ही करना है। सेलिब्रेशन तो वो स्टेट है जहां पे मैं कह सकूं आई एम एब्सोल्युटली फीलिंग ग्रेट, दैट इट्स दैट फीलिंग, दैट अमेजिंग इनक्रेडिबल फीलिंग। जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, ये सेलिब्रेशन का सबसे बड़ा रूल है, ट्रस्टिंग द प्रोसेस। देखिए कितना पावरफुल, एवरी सिंगल थिंग इज ऑल अबाउट प्रोसेस। एक बीज लिया हमने, उस बीज को जमीन में दबा दिया, छोटा सा बीज है, जमीन में दबा दिया, राइट तरह की मिट्टी में उसको दबाया, राइट तरह की मिट्टी में देके, राइट तरह की मिट्टी के साथ उसको बस पानी देना है और कुछ नहीं देना है उसे। बाकी वो खुद ले लेगा, जमीन से कुछ खींच लेगा, कुछ सूरज उसे दे देगा, कुछ प्रकृति उसे दे देगी, आपको सिर्फ पानी देना है उसको। रोज नियम से आपने पानी दिया, सुबह शाम या जब भी उसको देने की जरूरत है। वो बीज इतना पावरफुल बीज है कि वो धीरे 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 धीरे, इतना सा बीज होता है राइट, जिसका कोई वजूद नहीं होता, जो दिखाई भी नहीं देगा, शायद मिट्टी में दब गया तो मिट्टी के अंदर मिक्स हो गया तो दिखाई भी नहीं देगा। वो बीज धीरे धीरे वट वृक्ष बन जाता है, और वट वृक्ष में हजारों फल लगते हैं, और हजारों फल में, एक एक फल में सौ सौ हजार हजार बीज होते हैं। इट्स अ ब्रिलियंट प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस विच इज अमेजिंग। एंड द प्रॉब्लम इज वी डू नॉट ट्रस्ट दिस प्रोसेस। हम में से कई लोग इस डिवाइन प्रोसेस को ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। हमें लगता है ओ माई गॉड मेरी जिंदगी में बुरा हुआ, तो आपको कैसे पता बुरा होगा। कई लोग एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं पैरानोया, पैरानोइड हो जाते हैं लोग, डर जाते हैं, डरे हुए रहते हैं। What will happen? What will happen? What will happen? What will happen? Oh my God, कल क्या होगा? आज तो पैसा कमाया, कल क्या होगा? अब जब आदमी पैरानोइड है, पैरानोइड यानी डरा हुआ है, जब आदमी डरा हुआ है तो उसे डर लगता है कि आने वाली जिंदगी में मेरे क्या होगा, मेरे बच्चे मुझे कैसे रखेंगे, मेरे बच्चों की जॉब लगेगी नहीं लगेगी, वो सेटल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, उनका पैसा होगा कि नहीं होगा, हम घर बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, हम इस लाइफ को, लाइफस्टाइल, आज जो लाइफ, जिस लाइफस्टाइल के लिए जिंदगी भर प्रयत्न किया, वो आने के बाद आदमी को डर लगता है इसी को मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यू नो यू आर पैरानोइड। इसी का ऑपोजिट एक और है जिसको बोलते हैं प्रोनोया। प्रोनोया का मतलब है कि यार आप इतने इतने श्योर हो कि आपकी जिंदगी में बुरा ही होने वाला है, अच्छा हो गया तो। प्रोनोया का मतलब है अच्छा भी तो हो सकता है, मिरेकल भी तो हो सकता है। कल आज तक यहां तक आए, यहां तक आने में इतने मिरेकल हुए, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने सिखा दिया, किसी ने राइट जगह पे ले गया, कोई कहां ले गया, ये मिरेकल है आपके लिए। ये इस समय जो चल रहा है ये मिरेकल है। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था ये होगा? 100 साल 50 साल छोड़िए, 5 साल पहले क्या आप कल्पना कर सकते थे? हम लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हैं, 2017 तक कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह से ट्रेनिंग देंगे, इंटरनेट पर बैठ के एक जगह और 10-20-25 हज़ार लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, कभी नहीं सोचा था। 2017-18 तक नहीं सोचा था, 18 के एंड में सोचने लगे, अरे ये तो पॉसिबल है, ये हो सकता है। तो मतलब 5 साल पहले तक ये नहीं सोचा था, तो इट्स अ मिरेकल राइट नाउ, इट्स अ प्रोसेस, मिरेकुलस प्रोसेस। तो जहां हम कैसे इतने श्योर हैं, कैसे आप इतने श्योर हो कि आपकी लाइफ में बुरा ही होगा, अच्छा हो गया तो। सो प्रोनोया, और अच्छा हो सकता है, 50% अगर चांसेस है बुरा होने के तो 50% चांसेस है अच्छा होने के। और अच्छा होने के लिए, किसी की किस्मत पलटने के लिए या कुछ भी होने के लिए, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस ये है कि इतने साल खाना पानी सब कुछ मिला है, आगे भी मिलेगा, चिंता किस बात की है? इतने साल हमारी ग्रोथ हुई है, हम गांव में रहते थे, गांव में से निकल के जैसे तैसे शहर में आ गए, शहर में हमने पहले घर किराए पे लेना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन घर किराए पे भी ले लिया, किराए के घर में रह भी लिए, उसके बाद घर खरीदना मुश्किल था लेकिन घर खरीद भी लिया, अपने घर में रह भी लिए, पहला पलंग लाना भी घर में मुश्किल था, पहली कुर्सी लाना भी मुश्किल था, टीवी लाना भी मुश्किल था, फ्रिज लाना भी मुश्किल था, कूलर लाना भी मुश्किल था, किचन के बर्तन लाना भी मुश्किल था, घर में आधुनिक चीज़ें लाना मुश्किल था, साइकिल लाना मुश्किल था, यू नो खेलते समय स्पोर्ट्स शूज़ लाना मुश्किल था, ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल थी।
लेकिन ये होती गई होती गई होती गई, क्योंकि हम चाहते गए और होती गई, चाहते गए होती गई। कोई चीज़ को एक साल लगा, किसी को दो महीने लगा, किसी को छः महीने लगा, किसी को छः साल लगा, किसी को 15 साल लगा, लेकिन जो जो सोचे थे वो सारी चीज़ें हमारे साथ होती गई। तो छोटे से गांव से निकल के छोटे से कस्बे में आए, छोटे से कस्बे से जब बड़ी सिटी में गए तो देखा इस बड़ी सिटी में कैसे रहेंगे, बड़ी सिटी के हिसाब से धीरे 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 लाइफ एडजस्ट होती गई। मतलब लाइफ ऐसी है कि आपने जिधर ऊर्जा लगाई वो आपके पास आने लगा, जिधर ऊर्जा लगाई वो आपने आपने कहा साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए, भले देर सवेर आई लेकिन साइकिल आई। आपने कहा टीवी चाहिए, आपके पास टीवी आया। आपने कहा कूलर चाहिए, कूलर आया। आपने कहा एसी चाहिए, एसी आया। जिसने जो सोचा वो आता गया, ये कुदरत आपको देती गई। माय डियर फ्रेंड, बचपन से आज तक कुदरत आपकी जरूरतों का सभी सामान आपको दे रही है, तो आगे भी देगी। ट्रस्ट द प्रोसेस। कितने लोगों को बात समझ में आई? कल मैं लाइव था मेरे मेन चैनल पे भी और अपने सुपरस्टार बीएसआर वाले दूसरे चैनल पे भी, तो करीब 2500 लोग कनेक्टेड थे। बट ये दूसरा वाला चैनल ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता या पता नहीं है, तो आज 600 लोगों के आसपास कनेक्टेड। इट डजंट मैटर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए 600 या 6000 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ नंबर है। एक राइट पर्सन इज मोर देन इनफ टू टेक मी टू द होल वर्ल्ड। वन राइट कैंडिडेट गेटिंग कनेक्टेड विद मी, इसीलिए आई जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। इट इज जस्ट अ नंबर। कितने लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, इट इज जस्ट अ नंबर। कई लोग होते हैं हमारे तो 1 करोड़ फॉलोवर हैं, आपके तो 20 लाख ही है। कई बार हमें भी हो जाता है कि हमारे तो 20 लाख फॉलोवर है, तेरे तो अभी 50,000 ही है। किसी के 50,000 फॉलोवर है और वो किसी से मिलता है जिसके 5,000 है, तो वो कहता है अरे तेरे तो 5,000 ही है, तेरे से मैं बड़ा। ये ईगो आ जाता है। लेकिन यू नो वॉट, ट्रस्टिंग द प्रोसेस ऐसा है कि कोई पता नहीं है कल सुबह उठ के कौन कैसा वीडियो बना दे और वो ओवरनाइट रातों रात सबको ओवरटेक करके ले जाए। देर अनंत पॉसिबिलिटीज है इस दुनिया में, अनंत पॉसिबिलिटीज, इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज है, इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज। हमें से कितने लोगों को लगता है कि इस दुनिया में पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज है? मैं कहता हूं जब अनंत पॉसिबिलिटीज हैं तो सबसे बड़ा हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए उन पॉसिबिलिटीज की तरफ। तो सबसे बड़ा आपका और मेरा एटीट्यूड होना चाहिए दैट वी आर हियर टू हैव फन, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स सेलिब्रेट द होल डे। अरे यार क्या मस्त लाइफ है, हाउ वंडरफुल, सो नाइस, मेरा हाथ उठ सकता है, हाउ वंडरफुल, मेरी जुबान चल रही है, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, मैं देख पा रहा हूँ, हाउ वंडरफुल, मैं मिल पा रहा हूँ लोगों से, हाउ वंडरफुल, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, हाउ वंडरफुल ये इंटरनेट है, हाउ वंडरफुल। अरे यार मिरेकल ही मिरेकल है ये, ठीक है हम लोग इनके आदि हो चुके हैं, हमें ये मिरेकल नहीं लगते नहीं है, बट कैन वी नॉट सेलिब्रेट? क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं है, करोड़ों लोगों के पास नहीं है। और किसी समय में हमारी भी ये सिर्फ एक इच्छा थी कि ऐसी जिंदगी हम जिए जैसी आज आप जी रहे हैं। इट्स अ ब्लेस गाइस, इट्स अ ब्लेस, डजंट इट? और कोई भी रीजन नहीं है तो भी एक रीजन तो है, जिंदा है यार, उम्मीद है, हमारे साथ भी मिरेकल्स हो सकते हैं। जब मैं ये बात करता हूं तो कई लोग कहते हैं कोई मिरेकल नहीं होता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हम जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। तो मुझे ये बताइए, कौन डिसाइड करता है कि आप कितना करेंगे और कैसे पता कि आप जितना कर रहे हैं उतना ही करेंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है कई लोग आलसी थे। सूरमा मूवी देखना, सूरमा मूवी में वो जो बंदा क्या नाम उसको जिसको मिला, जिसने हॉकी में वर्ल्ड कप वगैरह में भारत को जिताने के लिए काफ़ी योगदान किया, क्या नाम था उनका, जिनके ऊपर बनी, संदीप सिंह। संदीप सिंह आलसी आदमी था, खेलना ही नहीं चाहता था। कोच ने पनिशमेंट दिया, 3-4-5 साल की 6 साल की उम्र में भाग गया, बोला हॉकी खेलना ही नहीं, 15 साल आया ही नहीं ग्राउंड पे। लेकिन 15 साल बाद उसे किसी लड़की से प्यार हो गया, बोलता इसके लिए हॉकी खेलना है अपने। और वो अब पता नहीं वो सच्ची कहानी है, मतलब कहानी तो सच्ची है संदीप सिंह की, लेकिन पता नहीं उसको सच में प्यार हुआ इसलिए वो हॉकी खेलने लगा या नहीं लगा, ये हो सकता मसाला हो। बट वो हॉकी खेलने लगा 20 साल की उम्र से, और विद इन 5 ईयर्स 4 ईयर्स ही वॉज अ नेशनल चैंपियन। उसके बाद उसको गोली लग जाती है, वो पैरालाइज हो जाता है, वो पैरालाइज होके बेड पे पड़ा रहता है, बेड पे पड़ा हुआ है पैरालाइज होके। दुनिया ने कहा अब खेल नहीं पाएगा, कभी भी चल ही नहीं पाएगा, फॉरगेट अबाउट खेलना। इस बंदे ने अंदर से कहा मुझे खेलना भी है, मुझे चलना भी है, सब कुछ करना है। इसकी विल पावर खतरनाक थी, विल पावर खतरनाक होने के बाद इससे ठीक भी हुआ, ये चला भी, ये दौड़ा भी, इसने हॉकी भी खेली और फिर से दुनिया के लिए हॉकी खेली, देश के लिए हॉकी खेली। दोस्तों इतनी मुसीबतों के बाद भी कोई आदमी खड़ा हो जाता है,
एक तो पहले ही चालू ही वो 20 की एज में कर रहा है, जहां पे लोग कहते हैं कि यार अब तो शायद मुश्किल होगा, कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस लगती है, लेकिन फिर भी डिटर्मिनेशन है तो वो 2-3 साल के अंदर वो कवर अप कर लेता है। फिर नेशनल खेल लेता है, नेशनल खेल के बहुत अच्छा काम करता है, एंड उसके बाद उसको पीठ में गोली लग जाती है, वेस्ट बिलो पैरालाइज हो जाता है, बेड पे पड़ा रहता है, 2 साल निकल जाते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन कहता है करूंगा। दोस्तों दिस इज कॉल्ड ट्रस्टिंग द प्रोसेस। ये बंदा ट्रस्ट कर रहा है प्रोसेस को, ये बंदा जान रहा है कि मिरेकल्स हो सकते हैं, ये बंदा समझ रहा है कि कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी यार, कहीं तो पॉसिबिलिटी होगी, क्यों ना मैं उस पॉसिबिलिटी का द्वार खटखटाऊं, नेगेटिविटी में अपना जीवन ना बिताऊं, क्यों ना मैं बड़ा सोचूं, क्यों ना मैं बेहतर सोचूं, क्यों ना मैं सेलिब्रेट करूं, इस मोमेंट को भी मैं समझूं और इस मोमेंट से आगे जाऊं। सेलिब्रेशन वो स्टेट है जहां आप पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड हैं अपनी जिंदगी के साथ, आपको न फ्यूचर की चिंता है, न पास्ट की चिंता है, ना आपको ये डर है कि आपके साथ कुछ गलत होगा, आप बस खेल रहे हैं, दिल जान से खेल रहे हैं। दैट्स द मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, वही ट्रू सेलिब्रेशन है। एम आई राइट और रॉन्ग? जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आपको टाइम का पता नहीं लगता, जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आप खुश हैं, जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आप हंस रहे हैं, जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी पूरी बॉडी कह रही है यस ऑलराइट। लेकिन वही मेरी बॉडी इस समय कह रही है जब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मुझे न पता है फ्यूचर क्या होगा, पास्ट क्या होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस समय आई एम द मोस्ट इन्वॉल्व्ड पर्सन, क्योंकि ये मेरा मंदिर है, क्योंकि ये मेरी पूजा है, क्योंकि ये मेरा काम है। और मैंने तो एक ही चीज़ सीखी है, अपने काम की इतनी पूजा करो, इतनी शिद्दत से अपने काम को करो दोस्तों, इतनी शिद्दत से अपने काम को करो कि अगर आपका काम कोई व्यक्ति हो या कोई इंसान हो या भगवान हो और वो दूर से आपको देख रहा हो कि यार इतनी श्रद्धा मेरे प्रति, इतनी श्रद्धा, इसके लिए तो वर्ल्ड कप इसको देना ही पड़ेगा।